हेलो बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर फोर्टीन फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर

तो पहले इंडिया प्रोविंसेस में डिवाइडेड था अलग अलग प्रोविंसेस थे स्टेट्स नहीं थे और अब लोगों की ये डिमांड थी गवर्नमेंट से कि आप अब इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड करो हर जगह को उसकी लैंग्वेज के बेसिस पे कि कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है उस बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स पे डिवाइड करो जैसे आ, महाराष्ट्र मराठी बोली जाती है तो महाराष्ट्र हो गया पंजाबी बोली जाती है तो पंजाब बन गया इस तरीके से लैंग्वेजेस के हिसाब से तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश बन गया इस हिसाब से डिवीज़न करो स्टेट्स के बेसिस पे और महाराष्ट्र में भी ये डिमांड हो रही थी कि जितने भी मराठी स्पीकिंग लोग हैं उन सब सबकी डिमांड थी कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठी इसके लिए बनाया जाए एक अलग से स्टेट और इसीलिए लिए मराठा मूवमेंट मराठी पीपल ने स्टार्ट किया था 1946 के बाद थ्रू वेरियस चेंजिंग सरकमस्टेंसेस द मूवमेंट प्रोग्रेस्ड एंड फाइनली ऑन 1st ऑफ मई 1960 द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केम टू बी फॉर्मड और बहुत सारी चेंजेस आए सरकमस्टेंसेस में Uh, जो गवर्नमेंट भी थी एक्चुअली वो लोगों के लिए ही काम कर रही थी लोगों की बातें सुन रही थी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी तो ये जो संयुक्ता महाराष्ट्र मूवमेंट था ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ और फाइनली फर्स्ट ऑफ मे 1960 को एक नए स्टेट का फॉर्मेशन हुआ जो था महाराष्ट्र फॉर मराठी पीपल नाउ कमिंग टू बैकग्राउंड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी मैनी स्कॉलर्स हैड बिगन टू एक्सप्रेस द थाट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ मराठी स्पीकिंग पीपल इन नाइनटीन हंड्रेड इलेवन द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू सस्पेंड द पार्टिशन ऑफ बंगाल तो ट्वेंटी सेंचुरी जब से स्टार्ट हुई थी उस समय से बहुत सारे स्कॉलर्स ये चाहते थे कि जितने भी मराठी बोलने वाले लोग हैं मराठी स्पीकिंग पीपल हैं उनका यूनिफिकेशन हो वो एक साथ मिले इन 1911, the British द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ टू सस्पेंड द Bengal. ऑफ बंगाल नाइनटीन हंड्रेड इलेवन में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बंगाल का पार्टीशन करना चाहती थी वो उसे रोकना पड़ा एंटी पार्टीशन मूवमेंट के कारण ऑन दिस बैकग्राउंड एन सी केल का रोड टैट द एंटायर मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन शुड बी अंडर वन डोमिनियन इन नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टीन लोक मान्य तिलक हैडेड द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज और इसी समय इसी समय बैकग्राउंड में एन सी केलकर जो थे उन्होंने ये लिखा था कि जितने भी मराठी बोलने वाले लोग हैं वो एक डोमिनियन में एक स्टेट के अंडर होने चाहिए और 1915 में लोकमान्य तिलक ने भी डिमांड की थी कि अलग अलग स्टेट्स बनाए जाए लैंग्वेज के बेस के बेस पे, जहाँ पे जो लैंग्वेज बोला जाता है या सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को अपने अपने एक स्टेट्स दे दिए जाए बट ड्यूरिंग दैट पीरियड द इश्यू ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वाज मोर इम्पॉर्टेंट हेंस दिस इशू रिमेन्ड असाइड लेकिन 1915 का जो समय था उस समय स्टेट डिविजन्स का जो टॉपिक था इशू था ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था उस समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट था अपने देश को फ्रीडम दिलाना इंडिपेंडेंस पाना तो इसीलिए स्टेट्स का लैंग्वेज के बेसिस में डिवीज़न वाला जो टॉपिक था उसे साइड रख दिया गया और इंडिपेंडेंस गेन करने पे फोकस किया गया ऑन ट्वेल्थ ऑफ मे नाइनटीन इन द साहित्या सम्मेलन एट बेलगांव एन इम्पॉर्टेंट रिजोल्यूशन रिगार्डिंग संयुक्ता महाराष्ट्र वॉज पास्ट और ट्वेल्थ ऑफ मे 1946 हंड्रेड सिक्स में साहित्य सम्मेलन जो हुआ था बेलगाव में वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिजोल्यूशन पास किया गया था रिगार्डिंग समयुक्ता महाराष्ट्र अब वो क्या था हम आगे पढ़ेंगे रिजोल्यूशन मतलब होता है कि ये जितने भी लोग थे सब ने प्रण लिया था कि हाँ हम इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इस इस परिषद के थ्रू कुछ चीज़ें करके दिखाएंगे संयुक्ता महाराष्ट्र परिषद ऑन ट्वेंटी ऑफ जुलाई महाराष्ट्र एकीकरण परिषद वॉज कॉल्ड एट मुंबई शंकर राव देव वॉज इट्स प्रेसिडेंट इट पास द रिजोल्यूशन दैट ऑल मराठी स्पीकिंग रिजन्स शुड बी इंक्लूडेड इन वन स्टेट दिस शुड ऑल्सो इंक्लूड मराठी स्पीकिंग रीजन्स ऑफ मुंबई सेंट्रल प्रोविंस एज वेल एज मराठवाड़ा एंड गोमांडा और ट्वेंटी ऑफ जुलाई में महाराष्ट्र एकीकरण परिषद जो है उससे उसे बनाया गया मुंबई में और शंकर राव देव को उसका प्रेसिडेंट बनाया गया अब ये जो परिषद था इसने एक रिजोल्यूशन पास किया कि जितने भी मराठी बोलने वाले एरियाज हैं जहाँ पे मराठी बोली जाती है उसे हम एक स्टेट फॉर्म करेंगे मतलब उस इन सब एरियाज़ को मिलाकर एक स्टेट हम बनाएंगे और ये जो मराठी स्पीकिंग रीजन्स थे इनमें मुंबई आती थी सेंट्रल प्रोविंस आते थे जिसमें मराठवाड़ा था गोमांतक था मतलब ये सब चाहते थे कि मिलके अब हम जितने भी मराठी बोलने वाले लोग हैं हम मिलके के एक अपना अलग से स्टेट बनाए दार कमीशन ऑन 17th ऑफ जून नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सिक्स डॉ राजेंद्र प्रसाद द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दार कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस एस के दार फॉर फॉर्मिंग अब हम आते हैं दार कमीशन पे ऑन सेवनटीन हंड्रेड फोर्टी सेवन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के उन्होंने दार कमीशन फॉर्म किया बनाया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस एस के दार एस के दार के साथ उन उन्होंने ये डार कमीशन को फॉर्म किया था और ये ये कमीशन को मेनली फॉर्म इसलिए गया किया गया था ताकि हमारे कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज के बेस पे प्रोविंसेस बनाए जा सके। ऑन टेंथ ऑफ दिसंबर 1948 द रिपोर्ट ऑफ दार कमीशन वाज पब्लिश बट द इशू रिमेंड अनसोल्व और इस कमीशन के बनने के बाद टेंथ ऑफ दिसंबर 1948 में दार कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तो प्रेजेंट की पब्लिश की लेकिन ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का इशू था ये सॉल्व नहीं हो पाया नाउ जे बी पी कमेटी थ्री मिनिस्टर्स कमेटी टू स्टडी द कंडीशन ऑफ क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस

दिसंबर में इसमें जवाहरलाल नेहरू थे वल्लभ भाई पटेल थे पाटा भी सीताराम थे और ये सारे इनिशियल मेंबर्स थे जेवीपी कमेटी जिसे इस इशू को सॉल्व करने के लिए इसके बारे में पढ़ने के लिए बनाया गया था रिपोर्ट सजेस्टेड दैट कांग्रेस एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट इन प्रिंसिपल बट द टाइम वॉज नॉट प्रॉपर फॉर इट सीवियर रिस्पॉन्स थ्रू आउट महाराष्ट्र अगेंस्ट दिस रिपोर्ट ड्यूरिंग दैट टाइम सेनापति बाबट ऑर्गेनाइज रैलीज फॉर अवेकनिंग ऑफ पीपल तो जे वी पी कमिटी की जो रिपोर्ट आई थी उसने ये सजेस्ट किया था कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट है हम इसे एक्सेप्ट करते हैं एंड हम इस पर काम करेंगे लेकिन अभी का समय सही नहीं है ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर्म करने के लिए और इस पर जो रिस्पॉन्स था वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था लोगों के महाराष्ट्र के लोगों के तरफ से और इस समय जो सेनापति पापट थे उन्होंने रैलीज ऑर्गेनाइज की थी लोगों को जागरूक करने के लिए कि अब समय आ गया है कि आप अपने महाराष्ट्र की डिमांड करो आचार्य आत्रे गॉट पास द प्रपोजल ऑफ़ समयुक्ता महाराष्ट्र विद मुंबई इन द मुंबई मुंसिपल कॉरपोरेशन इट गॉट पास बाय फिफ्टी अगेंस्ट थर्टी फाइव वोट्स ड्यू टू इट द डिज़ायर दैट मुंबई शुड बी इंक्लूडेड इन महाराष्ट्र वॉज प्रूवन और जो आचार्य आत्रे थे उन्होंने समयुक्ता महाराष्ट्र के जो भी रेजोल्यूशंस थे उसे पास करवा लिया और उसमें ये ये पास करा लिया मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कि मुंबई अब महाराष्ट्र का पार्ट होगा और ये जो रेजोल्यूशन पास कराया गया था इसमें फिफ्टी के अगेंस्ट थर्टी फाइव फेवर में मिले थे कि हाँ मुंबई महाराष्ट्र का पार्ट होना चाहिए किसने दिए थे ये वोट ये दिए थे मुंबई मुनिसपल कॉरपोरेशन ने और इसी कारण से अब ये तो फाइनल हो गया था कि मुंबई अब महाराष्ट्र का पार्ट होगा कमीशन फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमीशन फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स ऑन ट्वेंटी नाइन ऑफ दिसंबर नाइनटीन फिफ्टी थ्री अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस फैजिल अली दिस कमीशन प्रजेंटेड देयर प्रपोजल ऑन टेंथ ऑफ अक्टूबर नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी फाइव दिस प्रपोजल एडवोकेटेड फॉर क्रिएशन ऑफ बिलिंगअल मुंबई स्टेट और हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी अगेन उन्होंने एक एक कमीशन अपॉइंट की जो थी कमीशन फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ स्टेट ये अपॉइंट किया ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ दिसंबर नाइनटीन फिफ्टी थ्री में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस फैजल खान ये जो कमीशन थी इसने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की टेंथ ऑफ अक्टूबर नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी फाइव में और आ, ये जो प्रपोजल सामने लाया गया था इसमें ये पॉइंट्स लाए गए थे जो कमीशन था इसने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की टेंथ ऑफ अक्टूबर नाइनटीन फिफ्टी फाइव में और ये रिपोर्ट में प्रेजेंट किया गया कि एक एक बिलिंगुअल मुंबई स्टेट का फॉर्मेशन किया जाएगा बिलिंगुअल मतलब होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस यूज़ किए जाते हैं तो आ, इसमें दूसरे पार्ट्स भी एक मुंबई स्टेट बनाया जाएगा जिसमें अलग अलग रीजन्स को ऐड किया जाएगा और इसमें मराठी स्पीकिंग के साथ साथ कुछ गुजरात के पार्ट्स और कुछ दूसरी जगहों वेस्टर्न पार्ट्स भी ऐड करने की बात थी नागपुर पैक्ट मराठी पीपल ऑफ़ ऑल रीजन शुड सोल्व टू मेक रिजोल्व टू मेक वन स्टेट वॉज द पर्पज ऑफ साइनिंग द नागपुर पैक्ट इन 1953. जितने भी मराठी हैं हर जगह पे वो सब एक स्टेट में मिल जाए और रहे यही रीजन था नागपुर पैक्ट साइन करने का 1953 में अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट संयुक्ता महाराष्ट्र वॉज फॉर्म्ड इंक्लूडिंग वेस्टर्न महाराष्ट्र विदर्भ along with मराठवाड़ा और ये जो नागपुर पैक्ट था इसमें एक संयुक्तता महाराष्ट्र के फॉर्मेशन की बात की गई थी जिसमें वेस्टर्न महाराष्ट्र विदर्भ मराठवाड़ा ये सारे एरियाज को इंक्लूड किया गया था इन 1956 एज पर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 371 क्लॉज़ 2

और ये आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन टू में इंक्लूड किया गया मतलब नागपुर पैक फाइनली एक्सेप्ट हो गया और नागपुर पैक के हिसाब से ये एश्योरेंस दिया गया कि ये जो स्टेट फॉर्म होगा इसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी होगी फाइनेंशियल प्रोविजंस बनाए जाएंगे जिसमें इस स्टेट में जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं वो हो साथ ही साथ अच्छी अच्छी एजुकेशन के लिए भी फाइनेंस लगाया जाएगा स्टेट में गवर्नमेंट सर्विसेज भी होंगी अलग अलग रीज़न्स पे पॉपुलेशन के हिसाब से साथ ही साथ जो भी बनेगी assembly, वो साल में एक बार उस असेंबली का सेशन होगा नागपुर पे द स्ट्रगल ऑफ मराठी स्पीकिंग पीपल फॉर फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र विद मुंबई हैड अ इन मुंबई ऐट दैट टाइम शंकर राव देव सेट वी विल अपोज द सेपरेशन ऑफ मुंबई फ्रॉम महाराष्ट्र अप टू आर लास्ट ब्रेथ और फिर जितने भी मराठी स्पीकिंग पीपल थे जितने भी मराठी बोलने वाले लोग लो थे अब उनका स्ट्रगल चालू हो गया था महाराष्ट्र बनाने के लिए जिसमें मुंबई उसका पार्ट होगा और एक बहुत ही बड़ी मीटिंग कंडक्ट की गई थी कमगार मैदान में जो कि मुंबई में सिचुएटेड है उस समय जो शंकर राव देव थे उनका कहना था कि हमसे महाराष्ट्र को जो सेप मतलब महाराष्ट्र एक अलग स्टेट था और बन रहा था और मुंबई एक अलग स्टेट बन रहा था तो उनका कहना था कि हमसे मुंबई को जो अलग किया जा रहा है हम इसे अपोज करेंगे अपनी आखिरी सांस तक हम मुंबई को महाराष्ट्र में ही इंक्लूड करेंगे द इमोशंस एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल टुक द फॉर्म ऑफ ऑफ पब्लिक एगिटेशन वुमेन also spontaneously started पार्टिसिपेटिंग इन इट और ये जो लोगों का इमोशन था अपने स्टेट के लिए लोगों की जो डिमांड्स थी इसने पब्लिक एगिटेशन मतलब सारी पब्लिक के गुस्से का रूप ले लिया लोग गुस्सा थे गवर्नमेंट से लोग चाहते थे कि उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाए और मुंबई को महाराष्ट्र का पार्ट बनाया जाए और जितनी भी वुमेन थी वो भी इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रही थी सुमती बाई गोरे इसमत चुंगताई दुर्गा भागवत तारा रेड्डी चारुशीला गुप्ते कमालताई मोरे सुल्ताना जोहारी एंड मैनी सच वुमेन टुक पार्ट इन द एगिटेशन तो यहाँ पे जितने भी नाम दिए हैं लाइक सुमाती बाई गोरे हो गए इस्मत चुंगताई दुर्गा भागवत तारा रेड्डी चारूशीला गुप्ते कमालताई मोरे इन सब ने इस स्ट्रगल पे पार्ट लिया और पूरी कोशिश की ऑन सेवेंथ ऑफ नवंबर 1955 फिफ्टी फाइव देर वॉज मीटिंग ऑफ लेबर्स वेरियस लेबर कम्युनिस्ट प्रजा सोशलिस्ट सोशलिस्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी जनासंघ एक्सेट्रा ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेटेड इन इट और सेवन ऑफ नवंबर 1955 में अगेन जितने भी लेबर्स थे उन सब की मीटिंग हुई जिसमें लेबर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिस्ट प्रजा सोशलिस्ट सोशलिस्ट पीजेंट्स हो गए वहाँ के वर्कर की पार्टी हो गई जनासंघ ये सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी ऑफ लेबर्स उन सब ने पार्ट लिया <laughs> कॉमरेड श्रीपत अमृत दांगे प्रोसाइडेड ओवर इट हियर एस एम जोशी प्रपोज रिजोल्यूशन दैट संयुक्त महाराष्ट्र विद मुंबई एंड विदारभा शुड बी क्रिएटेड और उस समय के जो कॉमरेड थे श्रीपद दांगे वो उन, उन्होंने लेट किया ये मीटिंग को और एस एम जोशी जो कि एक मेंबर थे उन उन्होंने ये रिजोल्यूशन प्रपोज किया कि हमारा जो संयुक्ता महाराष्ट्र है इसे हम क्रिएट करें मुंबई और विधारभा के साथ मतलब मुंबई और विधारभा को हम अपने महाराष्ट्र में इंक्लूड करें और एक नए स्टेट का फॉर्मेशन हम खुद से करें नाउ नाउ कमिंग टू बिगनिंग ऑफ एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट तो ये जो टॉपिक है बिगनिंग ऑफ एक्चुअल कॉन्फ्लिक्टे हम नेक्स्ट लेक्चर पर पढ़ेंगे ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना ही आगे हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर टू पर यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग